नर्मदापुरम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सेठानी घाट पहुंचकर जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा मुख्यमंत्री करेंगे। अधिकारियों से चर्चा करके बाढ़ बारिश को लेकर जानकारी ली गई। तो नर्मदापुरम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि जानकारी भी अधिकारियों से ली गई बारिश को लेकर और बाढ़ वाले इलाकों को लेकर। नर्मदापुरम पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सेठानी घाट पहुंचकर जायजा भी उनके ओर से लिया गया। इसके अलावा अधिकारियों से जानकारी ली गई है, बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी ली गई। इसके अलावा उन इलाकों की जानकारी ली गई जहां पर इस समय जलस्तर जो है वो नदियों का बढ़ रहा है। तो सेठानी घाट पहुंचकर जायजा उन्होंने लिया है। हालांकि लोगों से भी वो रूबरू हुए, देखिए तस्वीरें किस तरीके से लोगों से वो जब पहुंचे वहां पर तो लोगों से रूबरू हुए हैं। इसके अलावा क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है इसके बारे में भी जानकारी अधिकारियों से ली गई। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां इस समय खुद मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संभाले हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो लगातार यहाँ पर जानकारी लेते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि अभी फिलहाल वो नर्मदापुरम पहुंचे और उन्होंने सेठानी घाट पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया, वहां का जायजा भी लिया। बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी हालांकि वो दौरा करेंगे, हालांकि तमाम दौरे वो कर चुके हैं लेकिन लगातार उनके जो दौरे हैं वो जारी हैं। बाढ़ प्रभावित जितने भी इलाके हैं वहां पर दौरे किए जाएंगे। इंद्रपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रपाल, क्या जानकारी है? कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दौरा करेंगे लेकिन जानकारी अधिकारियों से ली गई है बाढ़ प्रभावित इलाकों की। अंजलि जी, मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं वो पचमढ़ी दौरे पे थे और पचमढ़ी दौरे पर जब वो प्रदेश में वहाँ पचमढ़ी में जब चर्चा कर रहे थे उसी दौरान उनको नर्मदा की स्थिति के बारे में पता चला कि नर्मदा नदी का जो है जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। जिसके बाद आज अधिकारियों की टीम के साथ शिवराज सिंह चौहान ने आज नर्मदापुरम के सर्किट हाउस में एक बैठक की और बैठक करने के बाद सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई नर्मदा के जल स्तर से किसी भी तरह की बाढ़ की स्थिति पैदा ना हो और जो नर्मदा जो क्षेत्र नर्मदा नदी से जो क्षेत्र लगा हुआ है, जो निचली बस्तियों का जो क्षेत्र कहलाता है, डूब क्षेत्र कहलाता है, उस डूब क्षेत्र में जाकर जो भी वहां पर रह रहे हैं उनको उधर से मकान खाली कराया जाए, वहां टीम को वहां तैनात किया जाए। इसी के बाद ही रेस्ट हाउस में करीब आधे घंटे बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा नदी के सेठानी घाट पर पहुंचे जहां पर वो नर्मदा नदी का जो जल स्तर है उसको उन्होंने देखा और वहीं मौके पर ही अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए इंद्रपाल।